जाएगी आगे मंगवा दूं। मैं धूरी का रहने वाला हाँ हाँ मैं देखा भरा वीडियो बना अंडी क्या हुआ मारा क्या किसी ने यार इस ट्रेन में हर कोई रो रहा है। सो हे गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ भाई जलंधर सिटी जंक्शन से। जैसे कि आपको पता होगा कि जलंधर में दो रेलवे स्टेशन है, एक जलंधर सिटी और एक जलंधर कैंट है। एंड देखिए अभी मैं खड़ा हूँ भाई जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों जलंधर सिटी से हम जाने वाले हैं आज दिल्ली। कौन सी ट्रेन में जाने वाले हैं? 22480 सरवत दावला एक्सप्रेस में, जो कि लोहिया खास और दिल्ली के बीच में चलती है। बाकी 4:40 पे यहाँ पे टाइम था, लेकिन अभी तक नहीं आई है, थोड़ी सी लेट चल रही है, 4:42 हो रहे हैं। लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है कि यहीं पे आएगी। टाइम देख सकते हो दोस्तों, 4:51 हो रहे हैं एंड 11 मिनट लेट हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पे। देखिए इसके साथ लोकोमोटिव लगा है WDP-4D का। देखिए अपनी सर्वदा बला, बाकी इस ट्रेन का नाम सर्वदा बला, मतलब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ये सिखिज्म में आता है। सर्वदा बला मतलब सिखिज्म की एक टर्म है, जिसका मतलब होता है सबका भला हो, ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। सर्वत मतलब सबका, ना पता ही है आपको, एंड भला हो। ठीक है तो चलिए चलते हैं अपने कोच में जो कि सबसे आगे की ओर लगा हुआ। बाकी इसमें चेयर कार, एसी चेयर कार, एंड यात्री देखिए कैसे भाग रहे हैं क्योंकि ये लेट आई है यहाँ पे। बात करिए आज की अपनी ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन वीक में 5 दिन चलती है। चलने का टाइम है इसका 3:35 पे लोहिया खास जंक्शन से खुलती है। 438 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रात को 11:35 पे आपको देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचाती है। इस जर्नी को 8 घंटे में कंप्लीट करती है लगभग 14 हॉल्ट के साथ। देखिए दोस्तों हॉन्क हो चुका है अपनी गाड़ी का 4:55 पे, यानी कि 4 मिनट रुकी हमारी ट्रेन जलंधर सिटी पे। लेट्स सी हमारा आज का कोच है D6, देख रहे हो यही है हमारा आज का कोच जिसमें हम यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देते हैं। बाकी चेयर कार जैसी फीलिंग आती है इसमें, पूरी शताब्दी जैसी, लेकिन इसमें जो फेयर लगता है वो बहुत कम लगता है। बताएंगे आपको इसका फेयर एज़ कंपेरिजन टू शताब्दी, इसका बहुत कम फेयर लगता है। बाकी इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आपको 3x3 का मिलता है एंड पूरी ट्रेन है जो वो खाली। क्यों हो गया आजा पाते के आजा। बाकी देखिए दोस्तों डिपार्चर, एंड मैं वो वाली सिटिंग छोड़ के इस कोच में आ गया। वो मैं क्यों आ गया, क्योंकि वो उसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं थे साथ में, वो पूरी की पूरा जो मतलब बोगी थी वो खाली थी। चलिए यात्रा तो करनी है हमें, कोई भी कोच में चले जाओ। बाकी चलिए खाली ट्रेन है पूरी सर्वदा बला एक्सप्रेस, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और हाँ दोस्तों आज जो अपनी ट्रेन है ना, ये दूरी संगरूर वाले रूट से जाएगी, तो इस रूट पे पहली बार जा रहा हूँ, बट काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रूट पे, क्योंकि मैं पहले गया नहीं। पूरा पंजाब का जो एक फ्लेवर है वो हमें देखने को मिलेगा। लेट्स सी यात्रा को स्टार्ट कर दिया एंड वहाँ पे हमारे सन है वो चमक रहा है अभी, और टाइम भी देख लो भाई 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरज ऐसे चमक रहा है देखो। एंड देखिए जलंधर सिटी से डिपार्चर, अब हमारी ट्रेन जो रुकेगी वो सीधा लुधियाना में रुकेगी, जलंधर कैंट नहीं रुकेगी। देखिए जलंधर कैंट से हमारी ट्रेन निकलती हुई स्किप जलंधर कैंट का। इसका स्टॉप नहीं था बट बहुत धीमी हो गई, इसमें तो कोई भी चढ़ सकता है। मैं ऐसे ही पागल था जो जलंधर कैंट से जलंधर सिटी गया स्पेशली 100 रुपीज़ दे के ऑटो वाले।
यहाँ बहुत स्लो हो रही है। ये सारे यात्री चढ़े, ये इसी रेलवे स्टेशन से चढ़े, पता नहीं इतनी तेज में कैसे चढ़ गए यार ये तो। बट यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, ऐसे ही रोक थी। यहाँ पे हॉल्ट नहीं था इसका ऑफिशियल, लेकिन जलंधर शापली पे भी ये ट्रेन रुकती है। अगर मेरा भाई कोई ये वीडियो देख के इस ट्रेन से यात्रा करता है तो भाई जलंधर तो रुकती रुकती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जलंधर कैंट भी रुकेगी। बाकी कम से कम भी यहाँ पे 5-6 मिनट रुकी होगी हमारी। सर्वदा भला जलंधर कैंट से निकलती हुई, एंड देखिए ट्रेन अभी तक पूरी की पूरी खाली है। थोड़े बहुत यात्री चढ़े हैं। ये भाई है, भाजी कितने जाते हुए हो, कितने जाते हुए हो, कितने जा कहाँ जा रहे हो? हाँ दूरी दूरी संगरूर जा रहे हैं ना सारे, पंजाबी नहीं हो तुसी भाजी? मैं वही तो पूछना कि मैं तो दिल्ली जाता पे यार। हाँ मिस्टर विशाल कलकत्ता अमृतसर दोस्तों, लोहिया खास से लगभग 109 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी सर्वदा भला ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना में। जी हाँ दोस्तों, जो लुधियाना है इसको मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है, जैसे कानपुर को बोला जाता है, और ये होजरी की इंडस्ट्री के लिए फेमस है। बाकी ये सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत मतलब शहर कह सकते हो उसको। ये लुधियाना है, ये माई ट्रेन का 5th हॉल्ट है जिसका स्टेशन कोड है LDH। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे हमारी सर्वदा वाला एक्सप्रेस का, लेकिन यहाँ पे ये 5 मिनट डिले आई है। लाइक 55 पे टाइम था, लेकिन पूरे देखिए 6 बजे के आसपास आई है, 6:02 के आसपास आई है हमारी ट्रेन लुधियाना जंक्शन पे। बाकी दोस्तों, जो लुधियाना ये अपना जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी अम्बाला को जाती है, एक फिरोजपुर को जाती है, और एक दूरी संगरूर जाखल वाली जाती है जिस लाइन पर हमारी ट्रेन अभी जाएगी। पीछे से आपको पता ही है जलंधर वाली लाइन आ रही है। बाकी 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है लुधियाना, जो कि अम्बाला डिवीज़न के नॉर्थन जोन में आता है, स्टेट पता ही भाई पंजाब। एंड देखते हैं अब डिपार्चर हमारी ट्रेन का लुधियाना जंक्शन से। ओ भाई ट्रेन हॉर्न कितना खतरनाक था इस ट्रेन का। बह जो अंदर बह जाओ, कि बहुत सीटा खालियाँ पई हुई। हाँ बह जो। बाकी देखिए, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था 5 दिन ये लोहिया खास से लुधियाना के बीच, लोहिया खास से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है,
और 2 दिन यानी कि मंडे और फ्राइडे को ये दिल्ली से मोगा के बीच में चलती है अपनी सर्वदा वाला। टाइम देख सकते हो दोस्तों 6:27 हो रहे हैं और 5 पे डिपार्ट करना था इसने, लेकिन इतनी लेट डिपार्ट कर रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। कम से कम भी 22 मिनट लेट डिपार्ट किया इसने लुधियाना से। फिर रुक गई एंड वहाँ पे जा रही है हमारी सचखंड, फिर रुक गई है। देखिए भाई स्टेशन आया नहीं हो तो उतरने वाले रास्ते में उतर गए। सो दोस्तों पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है एंड लोहिया खास से लगभग 171 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी सर्वदा वलन एक्सप्रेस ने डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 5th हॉल्ट पे जो अपना धूरी जंक्शन। दोस्तों जो धूरी है यहाँ पे माई ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये यहाँ पे 7:05 पे टाइम था यहाँ पे, तो सोच लो इतनी लेट हो गई हमारी, पीछे से लुधियाना से ही लेट चली थी। बाकी धूरी जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से बठिंडा को जाती है और एक जाती है रायपुर को, लेकिन हमारी जो ट्रेन जाएगी वो जाखल वाले रूट पे जाएगी जो कि हरियाणा में है जाखल। अभी सीधा संगरूर को हम स्किप करेंगे एंड जाखल में मिलेंगे। एंड ये भाई भी कहाँ से आए थे आप? मैं लुधियाना से देख रहा हूं। पाजी आए थे लुधियाना, लुधियाना से चढ़े सी? हाँ मैं लुधियाना से चढ़े सी। हाँ मैं हैगा इतने धूरी का, मैं देखा मैं क्या कोई वीडियो बना रहा है कोई इतने उतरना तुसी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं धूरी दे रहने वाला है। हाँ हाँ, ते मैं देखा भरा वीडियो बना रहा है, मैं क्या लगता किसी वधिया कॉन्सेप्ट से बना रहा, मैंने अचानक चल फिर दोबारा फिर तुसी मिल गए। अच्छा अच्छा, ते मैं ताही तुहानू पुछिया, ते मिस्टर विशाल भरा दा चैनल है, मैं इहनू कहते ना सबसक्राइब कीता नाल दी नाल, ते चलो वधिया लगा। धूरी किहदे लई फेमस है? दो लाइन धूरी दे बारे दूरी जंक्शन से एंड यहाँ पे 2 मिनट ही रुकी, 2 मिनट का हॉल्ट था, लेट आई फिर भी 2 मिनट ही रुकी हमारी ट्रेन। चलिए देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का। क्या हुआ अंडी, क्या हुआ, मारा क्या किसी ने? हाँ
कोई हेल्प चाहिए? रो रहे हैं यार छोटू, क्यों यार? DUI था इसका स्टेशन कोड, 4 प्लेटफॉर्म से और 6 स्टेशन है। ये अम्बाला डिवीजन के नॉर्थन जोन में आता था अपना दूरी। बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है। और अगर आप इस ट्रेन से आते हो तो आपको पंजाब के जो गांव कस्बे देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड आपको प्योर पंजाब का फ्लेवर एक मतलब फील होगा। अभी हरियाणा में एंटर करने वाले हैं हम संगरूर के बाद। देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है भाई। पेट दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रही है, दवाई मंगवा दूं आगे से? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी आगे से मंगवा दूं। सिर्फ पेट दर्द हो रही है ना? ठीक है मैं कॉल करता हूँ रेलवे वालों को, ठीक है करो आप, अगले स्टेशन में मिल जाएगी। भाई आंटी जी हैं एंड पेट दर्द से कब से रो ही जा रहे हैं यार, तो मैंने अब रेलवे वालों को कॉल करनी है 139 पे एंड वो दवाई दे देंगे इनको। एंड आंटी थोड़ा आराम मिलेगा कब से यार, मतलब वोमिटिंग कर रहे हैं आंटी, साथ में पेट दर्द हो रहा है आंटी को काफ़ी। ट्रेन में हर कोई रो रहा है, क्या हुआ? हर कोई रो रहा है इस ट्रेन में, हैं? क्या हुआ आंटी जी? आंटी जी क्या हुआ? हाँ बुखार जेड़ा आगे स्टेशन में उपचार के दिखाओ। पानी भी दो, पानी दो, बीमार हो गए यार, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द। पानी डालो छोटू, मुंह पे पानी फेंक। हाँ हाँ डाल ला, उठो। क्या हाँ हाँ सांस रुक गई थी इधर स्टेशन पे करो, ठीक है? हाँ सो दोस्तों लोहिया खास से 187 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी सर्वदा वाला ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है सिटी ऑफ गुरुद्वारा। जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ संगरूर की। बाकी संगरूर है यहाँ पे 20 गुरुद्वारे हैं भाई, 20, जो कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। बाकी 8 मिनट डिले आई है हमारी ट्रेन, इसका स्टेशन कोड है SAG और 6th स्टॉप था हमारा संगरूर। एंड पीछे आंटी मतलब पता नहीं क्या हो गया था उनको, मैंने कंप्लेन कर दी थी 139 पे बोल रहे थे यहाँ पे मेडिकल अवेलेबल नहीं, लेकिन अरेंज करवा देंगे, अभी भेज दिया बाकी वहाँ पे आंटी मतलब हो गया। आंटी यार इस ट्रेन में पता नहीं क्या है, जिसको देखो वही रो रहा है, जिसको देखो वही रो रहा है। पीछे मतलब कोच में भी एक आंटी थी वो भी रो रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर है यार। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट था संगरूर पे एंड डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन संगरूर से और देखते हैं डिपार्ट। हाँ
हरियाणा से हो ना? हरियाणवी में बोलो कुछ, क्या हाल है? नहीं नहीं कैसे बोलते हैं हरियाणा में, क्या हाल है छोरे, क्या हाल है? हाँ क्या हाल से है अंकल भाई, कब से देखे जा रहे हैं? हम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ यूट्यूब पे। हाँ 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 खुद का जिंद किसके लिए जाना जाता है? जिला है। हाँ मतलब क्या है वहाँ पे देखने के लिए? जिंद पी लो, पानी पूरी पी लो, दे दो भैया अंकल को। पहले वो जिंदा रहता है ना वहाँ, दे दो अंकल को फ्रूटी। पीनी है फ्रूटी? नहीं 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 पी लो पी लो। नहीं, अभी पी का है। राम राम भाई, राम राम अभी देखते हैं भाई इससे जो अगला स्टॉप आएगा वो जाकर आएगा। कहाँ से आए? जलंधर से आए आप? जलंधर से। अच्छा जलंधर से। सीआरपीएफ कैंप। सीआरपीएफ कैंप, ओ वहाँ लड़का लग रहा है। अच्छा लड़का लग रहा है, ट्रेनिंग पूरी हुई है। बड़ी बड़ी बधाइयां दल से, बढ़िया बधाइयां। शपथ दी थी आज, पार्टी करा के जाके। हां दारू पार्टी होएगी है। बाकी भाई अंधेरा काफी ज्यादा, मतलब शाम ढल चुकी है एंड टाइम देख रहे हो 7:44 हो रहे हैं एंड यहाँ साथ मिल गया। मैं अकेला अकेला फील कर रहा, लेकिन अंकल ने थोड़ा साथ दिया। टाइम हो रहा है रात के 8:29। लोहिया खास से लगभग 237 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने 8th हॉल्ट पे, जो अपना जाखल जंक्शन। दोस्तों जो जाखल है ये हरियाणा में पड़ता है, और देखिए भाई हॉर्न दे दिया हमारी ट्रेन ने, 2 मिनट का हॉल्ट था जाखल जंक्शन पे। बाकी जंक्शन दोस्तों इसलिए था क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी एक जाती है बठिंडा को, एक हिसार को, और एक सीधी पीछे से पता ही है दूरी वाली लाइन आ रही है, और एक जाती है यहाँ से नरवाना वाली, नरवाना जिंद वाली। बाकी अगर इस ट्रेन में कोच कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 4 लगे हैं जनरल के कोच, 6 लगे हैं चेयर कार के कोच, और एक लगा है एसी चेयर कार, और बस एक लगेज के लिए लगा है पार्थिव जाखल से। लस्सी। ये क्या लस्सी? कितने की है? 30 रुपये। ये 35 रुपये। ये अभी हमारी ट्रेन का स्टॉपेज आने वाला नरवाना जंक्शन आने वाला है, जिसको हम स्किप करने वाले हैं और सीधा आपको मिलेंगे जींद पे। एंड इस ट्रेन में पैंट्री कार वगैरह नहीं मिलेगी आपको, मुझे लगता है ऑनबोर्ड कैटरिंग ही है इसमें, क्योंकि कैटरिंग वाले आ रहे हैं वो स्टेशन पे उतरते हैं चढ़े जाते हैं अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं, ऐसा ही है। बाकी ये लस्सी रिव्यू करते हैं वेरका की, अच्छा है टेस्ट। बाकी अभी जींद या रोहतक में देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए, अदरवाइज भाई दिल्ली में मिलेगा जो मिलेगा खाने के लिए। ये क्या कर रहा है? वीडियो बना ना। किस लिए? स्टेटस। स्टेटस छोड़ इसको भी। और भाई स्टेटस डालना ही हो, नहीं बनानी वीडियो, नहीं बनानी रोजी रोटी की नहीं, वीडियो नहीं, सिर्फ चने की बनानी है, चने बना ले। हाँ चलो दाल वाले से ली भाई दाल। एंड भाई कहते कि वीडियो ना बनानी, वीडियो इसलिए नहीं बनानी क्योंकि वो अनऑथराइज है, जो ऑथराइज वेंडर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें यार सबकी रोजी रोटी है, ठीक है। बाकी अभी ट्राई करते हैं भाई दाल, कुछ और मिल नहीं रहा तो दाल ही खा लेते हैं यार। खाना है? अभी देखते हैं जिंद डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने वाले हैं हरियाणा की, वहां पे कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, अदरवाइज दिल्ली में ही मिलेगा भाई जो मिलेगा। बाय। चलो नहीं 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 बस फिर लगाएंगे, आप आना कभी जम्मू, ठीक है? हाँ कॉन्टैक्ट मी। तो 307 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 11th हॉल्ट पे, जो है जिंद जंक्शन। दोस्तों जो जिंद जंक्शन है इसका स्टेशन कोड है JINT, 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हमारी ट्रेन 38 मिनट लेट चल रही है, तो भाई अब तो ये कवर कर नहीं पाएगी। अब इसके बाद रोहतक आएगा, रोहतक से
71 किलोमीटर की दूरी पर है हमारी दिल्ली, बट अब कवर नहीं कर पाएगी। बाकी दोस्तों जिंद है, ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पानीपत को जाती है और एक गोहाना को जाती है। बाकी जो जींद है ये सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और इसको हार्ट ऑफ दी हरियाणा भी बोलते हैं भाई, जींद को। और यहाँ पे जयंती देवी का टेंपल है जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था। हो जा साइड था वो, हाँ तो भाई रुक ही नहीं रही है यार ट्रेन, स्टेशन को एक्सप्लेन करने का कुछ मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है यार। और चार प्लेटफॉर्म थे जींद जंक्शन पे और ये स्टेशन है ये अपना दिल्ली डिवीज़न के नॉर्थन जोन में आता है अपना जींद, अपना हरियाणा चल रहे हैं। तो देख सकते हो 10:01 हो रहा है एंड लोहिया खास से 366 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 12th हॉल्ट पे जो है अपना रोहतक। जी हाँ दोस्तों रोहतक जंक्शन भी है, जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी गोहाना रेवाड़ी वाली लाइन जाती है, अब हमारी ट्रेन जाएगी दिल्ली वाले रूट पे। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है रोहतक जंक्शन पे, लेकिन 4 मिनट लेट आई है हमारी ट्रेन जंक्शन में। पानी पानी कितने का? 15 रुपए का। रोहतक जंक्शन से डिपार्चर हमारी ट्रेन का। बाकी अब जो इसका 13th हॉल्ट आएगा वो बहादुरगढ़ का आएगा, इसको हम स्किप करने वाले हैं एंड नागलोई को भी, शकूर बस्ती आएगा फिर उसको हम स्किप करने वाले हैं। सीधा आपको मिलते हैं नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली पे, क्योंकि भाई ये छोटे छोटे स्टॉप है और ऊपर से ये रुख भी बहुत कम रही है तो समझ सकते हो ना आप। तो देखिए 11:45 हो रहे हैं एंड 35 पे टाइम था हमारी सर्वदा वाला एक्सप्रेस का दिल्ली में, और यहाँ पे ये 11 बजे आ गई थी दिल्ली में, लेकिन भाई इसने आउटर पे इतना मतलब बोर किया आउटर पे रुकी खड़ी थी। बाकी यही थी हमारी आज की सर्वदा वाला एक्सप्रेस लोहिया खास से दिल्ली के बीच चलने वाली। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, लेकिन लास्ट में भाई इसने बोर कर दिया, ठीक है। बाकी आपको आज की जर्नी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, देखो अभी 12 बज रहे हैं, अभी 1 बज जाएगा सोते सोते, सुबह फिर जर्नी है, ठीक है, तो समझा करो, ठीक है, लाइक करो।